क्या किसी भी कुत्ते के काटने से मौत का डर रहता है और आपने ये गलती की तो फिर बचना मुश्किल है। दोस्तों, हमारे देश में हर 2 सेकंड में कोई ना कोई कुत्ते के काटने की चपेट में आ रहा है, और उससे भी डरावनी बात यह है कि हर आधे घंटे के अंदर किसी एक व्यक्ति की कुत्ते के काटने की वजह से मौत हो रही है, जिनमें से मैक्सिमम 15 साल से कम एज के बच्चे होते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में कुत्ते के काटने से जितनी भी मौतें हो रही हैं, उसका अकेले 36% मौत हमारे देश में हो रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में इस प्रॉब्लम की जड़ को और इसकी सॉल्यूशंस को। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, WHO के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 1,70,00,000 से भी ज्यादा लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमें डॉग बाइट कर दे तो हम अपने बचाव के लिए क्या करें। सबसे पहले ये पता लगाएं कि आपको जिस कुत्ते ने बाइट किया है वो कहीं रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा कि उस कुत्ते के अंदर रेबीज वायरस के सिम्टम्स है या नहीं। अगर कुत्ता रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होगा तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि उसका जीभ बाहर निकला होगा, कंटिन्यू दौड़ रहा होगा, काफ़ी बेचैन सा होगा और पानी से दूर भाग रहा होगा। ऐसे सिम्टम्स वाले कुत्ते को हमारे देश में आमतौर पर पागल कुत्ता कहते हैं। ऐसे सिम्टम्स वाले कुत्ते किसी को बाइट कर दे और समय पर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए जाएं तो वायरस विक्टिम के ब्लड के जरिए धीरे धीरे ब्रेन में पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस होने में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने का टाइम लग सकता है। वायरस ब्रेन में पहुंचकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिसके बाद विक्टिम के अंदर भी रेबीज के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। उसे भी बेचैनी होने लगेगी, हेडेक होगा और वो भी पानी से डरने लग जाएगा, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एक बार को ये सिम्टम्स आ गए फिर बचना मुश्किल है, ऑलमोस्ट 100% डेथ पक्की है। अब जानते हैं इस वायरस से बचने के सॉल्यूशंस को। इससे बचने के लिए जब भी ऐसे डॉग्स बाइट कर दें, तुरंत बाइट वाले एरिया को एंटीबैक्टीरियल सॉप और वाटर से वॉश कर दें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें कि डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड था और डॉक्टर रेबीज वायरस का एंटीडोट देगा और कुछ एंटीबायोटिक लेने को कहेगा। फिर आप बिल्कुल सेफ हैं।